नमस्कार दर्शकों, तुम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम आज का राशिफल। जी हां, आज के राशिफल के खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही आपके दिन में क्या क्या उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ चीजें आपकी जिंदगी के मुताबिक बदलती हुई नजर आ रही है, या कुछ आपको नुकसान के भी चांस बन रहे हैं। आज का इस खास प्रोग्राम आज का राशिफल में हम आपको ही बताने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि राशिफल का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। जी हाँ, राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई प्रकार की जानकारी बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती है। वहीं ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा उथल पुथल होती रहती है, ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी एक समान बिल्कुल नहीं रहती हैं। जी हाँ, एक जैसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। आज 23 फरवरी शनिवार का शुभ दिन है और आज के दिन शनिदेव कुछ राशियों पर अपना प्रकोप भी बरसाते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद इनको संभल कर रहना होगा और बहुत ज्यादा फायदा भी इनको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आपको ला सकता है। वहीं इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस खास राशिफल में, और साथ ही अन्य बातों को भी हम इस राशिफल में बताने की कोशिश करेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। आज आपको किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिल सकता है। जी हाँ, आपके अपने चाहने वाले, आपके अपने घर वाले, आपके अपने रिश्तेदार आपको बहुत ज्यादा साथ देंगे। वहीं आर्थिक मदद भी आपको मिल सकती है। किसी भी योजना या परियोजना में पैसा लेने से पहले उन परियोजनाओं का पूरा विवरण जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा भी मिल सकता है। वहीं परिवार के किसी विवाद में आप खुद सीधे ना पड़े, कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। जी हाँ, जो आपका कार्य क्षेत्र है, व्यापार, कारोबार या नौकरी, उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके बाद खुशी खुशी आपकी जिंदगी कटती हुई नजर आएगी। चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों का हाल। आज आपके परिवार में हर्ष व उमंग का वातावरण रहेगा। जी हाँ, लाभदायी प्रवास रहेगा। नकारात्मक आपकी मानसिक दशा खराब रहेगी, इससे पहले आपको छुटकारा पाने के लिए कोई भी कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं व्यापारी लोग अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो लोग काफी लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं, उनको आज बहुत अच्छा मौका है और उनको लाभ भी जरूर होने वाला है, और इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और इनकी जिंदगी में खुशियां जरूर आने वाली है। वहीं नौकरी अथवा व्यवसाय में प्रतिद्वंदी चुनौती आपके सामने खड़ी होंगी। यात्रा और भ्रमण न सिर्फ आनंददायक बल्कि काफी ज्यादा शिक्षाप्रद भी रहेंगे, लाभ आपको जरूर होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले स्वयं पर बोझ आज महसूस करते हुए नजर आएंगे। वहीं परिवार का सहयोग भी आपको लक्ष्य से भटकाने से बचाएगा। जी हाँ, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। व्यवसायिक मित्रों के साथ नए संबंध भी हो सकते हैं। जी हाँ, नए लोगों से मिलने की संभावना भी बनी हुई है। आप विदेश में भी कारोबार फैला सकते हैं। आज आपका किया गया पैसा, जो आपने निवेश किया है, जो आपकी बाहर आप खर्च करने की सोच रहे हैं, आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में काफी ज्यादा इजाफा करता हुआ नजर आएगा और आपको लाभ जरूर होगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। यदि आज आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो काम में जरा भी लापरवाही ना बरतें। जी हाँ, वरना आपको हानि का बोझ उठाना पड़ सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों के पद में पदोन्नति यानी कि आपके प्रमोशन के चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ वेतन में भी आपके बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे आप अपने आप को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साझेदारी में जो आपकी पार्टनरशिप में जो काम किए हैं वो आपके लिए आज फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके अपने चाहने वाले हैं, आपके भागीदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आज आपका थोड़ा सा विरोध हो सकता है। विरोध के चलते आपका मन थोड़ा छिन्न रहेगा, लेकिन ये सब हमारे जीवन में चलता रहता है, इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। आज नए लोगों से आपका मिलन होगा, आपकी धार्मिक कार्यों में आस्था काफी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं प्रोफेशनल मोर्चे पर आप इस नेटवर्किंग से फायदा आपको हो सकता है। आपके मित्रों का समर्थन आपको एक आवश्यक कर पूर्ण कराने में काफी ज्यादा मदद करेगा, जो आपके वित्तीय लाभ में इजाफा करेगा। आपके साथी की असीम कृपा और असीम प्यार से और बहुत ज्यादा बंधन आपके मजबूत होने वाले हैं। दृढ़ मनोबल एवं भरपूर आत्मविश्वास से हर कार्य आपके सफलता पूर्वक संपन्न करने में आपको लाभ होगा। आपकी जिंदगी भी खुशनुमा हो जाएगी और बहुत ज्यादा अपार धन की प्राप्ति भी होती हुई नजर आने वाली है। वहीं बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपको आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपके एहसासों में आज बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही आप अपने जीवन को सफल बनाने में जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उनसे अब आपका मन विचलित हो रहा है। जी हाँ, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आपको लाभ जरूर होगा। वहीं अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के भी कुछ नए स्रोत आपको मिलेंगे। आपका दिन बहुत ही सुख शांति से बीतेगा। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है, जिसमें युवा लोग भी आज जुड़ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज आपको सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा, जिससे आप जल्द ही अपने रास्ते पर लौट आएंगे और स्वयं को नई गतिविधियों में शामिल करेंगे। पेट से संबंधित बीमारी आपको बहुत ज्यादा तनाव का कारण बन सकती है। आपके तले हुए एवं मसालेदार भोजन से आपको दूर रहने की विशेष आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर आप घूमने जा सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा सुखद रहेगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज पैसे का लेन देन अथवा आर्थिक व्यवहार बिल्कुल ना करें। विचारों की अस्थिरता से आपका मन भी थोड़ा दुविधा युक्त रहेगा। आशा का दामन बिल्कुल न छोड़ें। वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का व्यवसाय काफी अच्छा चलेगा। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये अपने समय के हिसाब से ठीक भी हो जाएंगी। वहीं पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। कोई भी उत्सव आपकी जिंदगी में जरूर हो सकता है। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क बना रहेगा, जो आपके करियर या फिर कारोबार में अच्छा लाभ दिला सकता है। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने रिश्ते को कम करने के लिए अधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है। आज आपके सितारे काफी ज्यादा पक्ष में हैं। चिंता और तनाव दोनों बने रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। बिजनेस में बदलाव के योग बन रहे हैं। ये बदलाव आपके ही पक्ष में होने वाले हैं और आपको लाभ जरूर होने वाला है। तो चलिए दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जी हाँ, जो आपके अब तक के काम बने हुए थे, जो आपके काम बिगड़ चुके थे, वो अब आपके लाभप्रद आपको होने वाले हैं। शनिदेव की कृपा से वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क आपको रहना है। मित्रों के सहयोग से कारोबार को गति मिल सकती है। अगर आज कोई नया काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो लोन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। वसूली और लोन के कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। नवीन चीजों को घर लाएंगे। आज सहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव भी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज आपको आर्थिक लाभ होगा, लेकिन शारीरिक कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी पेशे वाले, आज आप सोच को सुधारने के प्रयास आप कर सकते हैं। वहीं आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा सुखद होगा, काफी ज्यादा लाभप्रद होगा। वहीं आपके लिए भावनात्मक रूप से कहीं उलझे हुए हैं तथा हौसलों के प्रति अरुचि और निष्क्रिय रवैया आपके प्रयासों में रूढ़ डालेगा। जी हाँ, आशा निराशा के मिश्रित भाव आपके मन में रह सकते हैं। चलिए दर्शकों, अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज धन का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। नौकर चाकर वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से आपका समय काफी ज्यादा अच्छा बीतने वाला है। आपका ऑफिस के व्यक्तियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। कार्यस्थल पर जिस तरह कोई अपना काम आप पर लाद रहा है, उससे उसकी समस्या आपकी परेशानी बन सकती है। वहीं पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेगा और आपका हमेशा साथ भी देगा और आपको लाभ जरूर होगा। प्यार के मामले में भी आप अपने आप को काफी ज्यादा
खुश महसूस कर पाएंगे। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम आज का राशिफल में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।